श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को प्रदूषित करने और नरक की तरफ बढ़ने के तीन दरवाजे हैं, वासना, क्रोध और लालच। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा कि सब्जी के बनने का, ताकि वो उसे खा सके। और किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी कि वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग एक घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया, स्वादिष्ट सा भोजन अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गए हैं, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहाँ पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाएगा। वो थोड़ा और आगे गया लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। करीब आधे घंटे के बाद वो के सब्जी मंडी में पहुँच गया। वहाँ पर उसे नींबू मिल गया और वो बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल गया और अब मैं घर में जाऊँगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊंगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गर्म कर दो, रोटी गर्म कर दो, नींबू काट ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर की ओर क्यों फेंक दिया। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब भी नींबू घर पर ले आए और खाने बैठ गए तो आपने इस नींबू को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज़ में जीत गए हुए? अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा कि आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीभ मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत सी स्वादिष्ट सब्जी बनाई, उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर भी नहीं मिले, तो मुझे उसने और दूर लेकर गई और मैं उसके वश में आ गया और जैसे ही वह कहती रही वैसा ही करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। क्या आपको समझ में आया
कि कैसे अपने इच्छाओं का पर विजय प्राप्त करें। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाएं और दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाएं। और अक्सर युवाओं को साथ ऐसा ज़रूर होता है कि वे शराब पीने के लिए बैठते हैं और सारी शराब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति ज़रूर कहता है कि यार और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है और वे भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपनी जीवन को खुशी बिताए। आशा करती हूँ कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर मिला होगा। अगर मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।